Depois de uma hora. हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं भिन्न। भिन्न में होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सबसे पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं और फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भिन्न। तो भिन्न हमारी एक ऐसी संख्या है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण नहीं होती, उसे भिन्न कहते हैं। यह एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण नहीं होती है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट है हमारा भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न उसे कहते हैं कि वह एक ऐसी संख्या जो पूर्ण नहीं होती है, अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि भिन्न किसी भी चीज़ का संपूर्ण भाग में से कुछ हिस्सा हो सकती है, या किसी भी चीज़ के संपूर्ण भाग के कुछ हिस्से को दर्शाती है। जैसे 2/3, यानी कि 3 में से 2 भाग। भिन्न हमारी 3 प्रकार की होती है। पहला साधारण भिन्न, दूसरा मिश्र भिन्न, और तीसरा है हमारा दशमलव भिन्न। तो हमारी भिन्न 3 होती हैं, साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न व दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न भी हमारी 2 होती हैं। पहला है उचित भिन्न और दूसरा है अनुचित भिन्न। अब हमें यह पता होना चाहिए कि उचित और अनुचित भिन्न में क्या फर्क होता है। पहला हमारा आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न में जैसे 2/3, ऊपर की संख्या को कहा जाता है अंश, बटा नीचे की संख्या को बोला जाता है हर। ऐसी संख्या जिसमें अंश का मान छोटा तथा हर का मान बड़ा हो, उसे उचित भिन्न कहेंगे। जैसे माना 2/3, 6/8, 5/7। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें कि हमारे पास में तीन चॉकलेट हैं और हमें 2 आदमियों को देनी है। हम दे सकते हैं, आराम से संभव है, उचित है। तो ये कार्य उचित है, तो कौन सी भिन्न हुई? उचित भिन्न। तो कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न। ऐसे ही अनुचित भिन्न दूसरी होती है हमारी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में अंश का मान बड़ा तथा हर का मान छोटा होता है, उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। जैसे हमारे पास में 3 चॉकलेट हैं, हमें 6 आदमियों को देनी है। क्या दे सकते हैं? नहीं, यह संभव नहीं है। तो यह काम उचित नहीं है, यह संभव नहीं है, इसलिए यह भिन्न कहलाती है अनुचित भिन्न। जैसे 6/3, 8/5, 10/1,
उसके बाद में हमारे पास आ जाती है दशमलव भिन्न। भिन्न संख्या में हर का मान दसमें से परिवर्तित होना या दस से परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे दशमलव भिन्न की ऐसी संख्या जिसे हर के मान में 10 का परिवर्तन कर दिया जाए उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है या उसे हर में 10 में परिवर्तित कर दें उसे भी हम दशमलव भिन्न कहेंगे। जैसे 0.25 यानी कि 0.25 का पॉइंट हटा के नीचे 20। जैसे नेक्स्ट है हमारा 2.57। इसे हम कहेंगे 2.57 बटा में 5 का 10 और 7 का 10। दो संख्या हैं तो 20 लगेगी। नेक्स्ट है हमारी मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न 2 सही 2/4, 5 सही 6/4 ऐसी भिन्न मिश्र भिन्न कहलाती हैं। इन भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ऐसे क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 5 सही 3/4, 5 सही 3/4। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये भिन्न कौन सी है, तो यह है हमारी मिश्र भिन्न और हमें इसे सबसे पहले साधारण भिन्न में बदलना है। तो 4 × 5 यानी कि 4 × 5 = 20 और 20 और 3 = 23/4 तो +3 तो = 23। 4 × 5 = 20 और 3 = 23 / 4 = 4। अब हम मानते हैं कि ये गलत है तो हम इसे सिद्ध कर सकते हैं 4 × 5 = 20 और 4 × 5 = 24 तो 5 बार गया भाग, बच गया हमारा 3 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से उचित भिन्न पहचानिए। दो बट्टा तीन, 6/8, 5/9, 6/5। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए उचित भिन्न कौन सी है, तो आपके पास में उचित भिन्न है 2/3। क्यों? क्योंकि अंश का मान छोटा तथा हर का मान बड़ा होना चाहिए। इसमें अंश का मान छोटा हर का मान बड़ा है तो 6/8 भी सही है। 5/9 अंश का मान छोटा है हर का मान बड़ा है ये भी सही है, लेकिन गलत कौन सी है 6/5, क्योंकि अंश का मान क्या हो गया बड़ा और हर का मान छोटा। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर 6/8 +2/8। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को हम आगे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं जिसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन यह है कि 3/4
तीन बटा छः गुणा पाँच बटा सात बराबर। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस तीन बंजे पंद्रह और सात छः बयालीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन बटा छः भाग पाँच बटा चार। ऐसे क्वेश्चन को करते समय एक चीज़ ध्यान में रखें कि आगे की संख्या तो सेम लिखें, भाग को गुणा में कन्वर्ट कर दें और पीछे की संख्या को उल्टा कर दें, तो चार बट्टा पाँच और सिंपली गुणा कर दें, तो तीन चौके बारह और छः पंजे तीस। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार सही पाँच बट्टा आठ गुणा दो बट्टा तीन। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले यह है मिश्र बिन, इसे हमें साधारण बिन में बदलना। आठ चौके बत्तीस, आठ सौ के बत्तीस, बत्तीस और पाँच, बत्तीस और पाँच हमारा है सैंतीस, सैंतीस बटा आठ गुणा में दो बटा तीन। तो कुछ नहीं करना हमें इसमें भी, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, ये हो जाएगा हमारा सैंतीस तीस, सैंतीस दो चौहत्तर बटा आठ दिया चौबीस। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छः बट्टा चार गुना पाँच बट्टे सात गुना ग्यारह बट्टा तीन गुना दो बट्टा चार गुना चौदह बट्टा छः। तो ऐसे क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें, दो एकम दो और दो दूनी चार, कि जितनी संख्या कटती है उनको यहीं काट दें। दो एकम दो, दो सत्ते चौदह, सात से सात कट गया, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, दो एकम दो, दो दूनी चार। अब बचता है हमारे पास में ग्यारह गुणा में पाँच बटा दो गुणा में छः, तो ग्यारह पंजे पचपन और दो छिकी बारह। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बट्टा चार भाग पाँच बट्टा छः। इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल है, सबसे पहले आगे की संख्या सेम रखें, भाग को गुणा में बदल दें और पीछे की संख्या को उल्टा कर दें। तीन बट्टा चार है गुणा, भाग का गुणा कर दिया, पाँच बट्टा छः है तो उल्टा हो जाएगा ये छः बट्टा पाँच, तो तीन छः अट्ठारह और चार पंजे बीस। आगे कट रहा है तो काट, नौ दूनी अट्ठारह और दस दूनी बीस, नौ बटे दस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन बट्टा आठ बयालीस बटा एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसमें है हमारा वज्र गुणा, बराबर में होते ही हमेशा वज्र गुणा होता है, तो बयालीस गुणा में आठ बटा तीन, तीन एकम तीन और चौदह तिया बयालीस, तीन एकम तीन और चौदह तिया बयालीस और चौदह अट्ठे एक सौ बारह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि दो संख्याओं, दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 5 है, जिनमें से पहली संख्या तीस है तो दूसरी संख्या बताइए। दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 5 है, जिनमें से पहली संख्या 30 तथा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना, इसका सिंपल फॉर्मूला है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो पहली संख्या है 30 गुणा दूसरी संख्या नहीं दी तो एक्स बराबर एलसीएम है हमारा 60 और एचसीएफ है हमारा 5, तो यह हो जाएगा हमारा एक्स बराबर 60 गुणा में 5 बटा 30, 30 एकम 30, 30 दूनी 60 और 2 पंजे 10, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10। काटेगी।